लो भटक लो, देख लो नकलियों को, लेकिन तुम्हारा जो पैमाना था बेटा वो तो एक बस आप अपने सतर की सोच थी, बाकी ये कोई तत्वदर्शी संत की या पहचान नहीं। तत्वदर्शी संत की पहचान श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में बताई है। अब वो ब्राह्मण कुल में जन्मे थे जीवा और दत्ता, गीता पढ़ा करते थे, सुना करते थे ऋषि महर्षियों से, ब्राह्मणों से, और वो कहा करते थे कि तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान पूछो। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में भी यही स्पष्ट किया हुआ है। तो परमात्मा ने कहा कि ये पहचान नहीं बेटा, तत्वदर्शी संत की पहचान बहुत लंबी चौड़ी है। तत्वदर्शी संत की पहचान गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में बताई है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को जो जड़ से लेकर पत्तों तक बतावेगा, उसके सभी विभागों की जानकारी देवेगा, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वो तत्वदर्शी संत है। तत्वदर्शी संत 3 नाम देगा, 3 मंत्र का नाम देगा। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा है, ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ओम तत्सत ऐसे मंत्र नहीं है, वो ऐसे जाप नहीं करना, इसके साथ हरि भी नहीं लगाना, बिल्कुल व्यर्थ है। तत् और सत ये सांकेतिक कोड वर्ड हैं, ये दास बता सकता है। परमेश्वर ने स्वयं बताया था कबीर जी ने, अक्सर पुरुष एक पेड़ है निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार, और मूल जो है वो खुद परमात्मा स्वयं है। अपुण्यात्माओं, परमेश्वर ने बताया कि मैं भाई बनारस में जुलाहे का काम करता हूं, मैं तो साधारण साध व्यक्ति हूं, और ये आप ये देख लो बेटा, गुरु को तजय बजय जो आना तापसुआ को फोकट जाना। एक बार या तो उपदेश लो नहीं अपने पूर्ण संत से, उपदेश लेकर के फिर किसी अन्य गुरु या देव इष्ट में आस्था नहीं हो, इष्ट एक हो कबीर देव और गुरु भी वही हो, उस अन्य गुरु से आस ना रखें, तो इसको आप अनन्य मन से भक्ति कहलाती है, अनन्य मन से भक्ति करनी चाहिए। अब परमेश्वर की कृपा से वो बहुत दृढ़ हो गए, क्योंकि ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र नंबर 26-27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 के मंत्र 1-2-3 में यह स्पष्ट किया है कि वो कबीर देव परमात्मा कबीर साहेब जी ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में रहते हैं, वहाँ से गति करके चलकर आते हैं, श्रेष्ठ आत्मा को प्राप्त होते हैं, मिलते हैं, उनको ज्ञान देते हैं। उस अच्छी आत्मा को जो दृढ़ भक्त होता है उसको मिलते हैं, तो जीवा दत्ता पूरे दृढ़ भक्त थे। अब क्या हुआ, उस गांव के लोगों को पता लग गया, ब्राह्मणों को, कि जीवा और दत्ता ने तो जुल्म कर दिया, इन्होंने तो एक धानक से दुलाहे से नाम ले लिया, गुरु बना लिया दुलाहा, और आज से 600 वर्ष पहले छुआछात इतनी चरम सीमा पर थी, क्या कर छड़ दे गल, इतनी चरम सीमा पर थी कि ब्राह्मण लोग अपने को सुपीरियर मानते थे और जुलाहा जाति वालों से तो दूर से निकलते थे, कहीं कपड़ा भी ना लग जाए, और वह ब्राह्मण दोनों जीवा और दत्ता कति दृढ़ हो गए। परमात्मा ने उपदेश देने से पहले अपनी सारी हिस्ट्री बता दी, मैं दानक हूँ भाई, जुलाहा हूँ, सूदर जाति से हूँ,
कहीं कल फिर लोग लाज में आके तुम्हारे मन में दोष आ जावे, लोगों के कहने से तुम गलानी करोगे तो तुम्हारा नाम नष्ट हो जाएगा, भक्ति नहीं रहेगी। जीवा दत्ता ने कहा, प्रभु हम परमात्मा पाने के लिए ये मनुष्य जीवन मानते हैं, आप हमारे गुरुदेव, हम आपके बच्चे, हमने समाध नहीं देखना। दोनों को नाम दे दिया। जब नगर के उस गांव के ब्राह्मणों को पता चला, क्योंकि रोज चर्चा चलावे एक दूसरे ब्राह्मण के अपने मित्र भाई था, चेताओं से बताओ कि हमने पूर्ण संत मिल गए, देखो हमारी सूखी टहनी हरी होगी, सबनो दिखाओ बुला बुला के। वो तो ये इसलिए बुलाओ कि ये भी कल्याण करवा ले, लेकिन विरोध शुरू हो गया। सबने पंचायत करी, जीवा दत्ता को भाईचारे से, जाति से निकाल दिया और कहा कि इससे बात भी नहीं करना, इनसे इनकी सब लेन देन भी बंद और इनके बच्चों से भी रिश्ता नहीं होने देना। अब जीवा दत्ता की, जीवा का लड़का था, दत्ता की लड़की थी, युवा होगी, विवाह के योग्य होगी, कोई ब्राह्मण हाथ नहीं रखने दे। सब ने मना कर दिया कि इनके लड़ बच्चों का कोई विवाह भी ना करे, कोई सगाई ना ले। तब उन दोनों ने परमेश्वर से प्रार्थना की कि प्रभु एक समस्या पैदा कर दी इन समाज वालों ने, हमारे बच्चों का कहीं नाता भी नहीं जुड़ता। परमेश्वर ने कहा, बेटा तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगे? हाँ कहाँ जी, आप ये कहलवा दो कि भी हमारे कहीं भी कोई रिश्ता नहीं हो रहा है, इसलिए हम जीवा का लड़का और दत्ता की लड़की का आपस में संयोग जोड़ेंगे, हमने मन बना लिया है, ये प्रचार करना शुरू कर दो, अभी करना कुछ नहीं तुमने। तो उन्होंने ऐसे ही किसी किसी के पास जाकर कह दिया कि भी हमने तो अपना इन दोनों का विवाह करेंगे। अब ये सारे बात फैल गई पूरी उसमें गांव में। ब्राह्मणों ने सोचा, भैया तो नाक कटेगी, जुल्म हो जाएगा, दुनिया थूकेगी, बाण भाई का ब्याह हो गया। फिर पंचायत हुई, निर्णय हुआ, भाई गलती जीवा दत्ता की है, इन बच्चों की क्या है। पंचायत में निर्णय हो गया कि भी इन बच्चों का विवाह हम करेंगे, हम करेंगे कहीं दूर दूर देश में। तो सारी पंचायत इकट्ठी होकर जीवा दत्ता के पास आई कि खबरदार तुमने ऐसा किया तो इन बच्चों का विवाह हम करेंगे, इनका कोई दोष नहीं है, दोष तुम्हारा है। अब नाम उन बच्चों ने भी ले रखा था, तो क्या किया, उस गांव ने ही कहीं लड़की के लिए लड़का ढूंढा, उसका ब्याह कर दिया, ऐसे ही कोई लड़की लाकर उस लड़के का विवाह कर दिया। अब परमात्मा ने कहा, देख बेटा आपकी सारी समस्या हल होगी, आप भांडे धक्के खांदे, ये ब्याह भी कर दिया, सारे काम हो गए। और फिर वो परमात्मा की कृपा हुई, धीरे धीरे सभी ने उनको अपने साथ मिला लिया। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा के चरणों में आने के बाद, पूर्ण परमेश्वर की शरण में आने से हमारी सारी समस्याएं हल होती हैं। ये जो कथा दास ने सुनाई है, इसका निष्कर्ष आप देखिएगा, इससे बहुत अच्छी शिक्षा आपको प्राप्त होगी, ये सत्य कथा है। साथ में ये भी बताना चाहता हूँ कि जहाँ पर परमात्मा ने उस सूखे वट की टहनी को हरा भरा किया था चरणामृत से, परमेश्वर कबीर देव जी के चरणामृत से वो वट वृक्ष की टहनी फिर पूरा एक वट वृक्ष बन गया। और आज भी विद्यमान है उस मंगलेश्वर गांव के पास में, एक नौका में बैठकर जाना पड़ता है, आधा एक किलोमीटर दरिया है बीच में और वहाँ एक टापू बना हुआ, वो टापू में आज भी वो वट वृक्ष
लगभग 4 एकड़ के अंदर, 4 एकड़ में, 4 किल्या में फैला हुआ है। पहले तो कहते थे कि बहुत लंबा चौड़ा दूर तक फैला हुआ था, अब उसको काट कूट कर थोड़ा सा एक प्रमाण के रूप में रखा हुआ है। और वहाँ कबीर पंथ के एक मठ बना हुआ है, वहाँ पर महंत रूपी उसके यादगार, उस वो एक यादगार समझ लो आज के दिन में कि ऐसी घटना परमात्मा ने लीला की थी वो आज सत्य है, इसलिए वहाँ पर आज भी वो वटवृक्ष विद्यमान है। तो इससे क्या शिक्षा मिली? एक तो ये शिक्षा मिली कि पूर्ण संत से उपदेश लेने के बाद फिर अन्य संत की तरफ आपकी आसक्तता नहीं होनी चाहिए। उपदेश लेने से पहले आप बेशक छानबीन करो, पूरा ज्ञान समझो, अन्य संतों को भी देख लो जिनका बोलबाला है, और फिर जहाँ ज्ञान ठीक लगे वहाँ उपदेश लीजिए। और उपदेश लेने के बाद फिर गुरुजी में किसी प्रकार का भी दोष नहीं देखना होता, तब आपकी भक्ति सफल होती है। और दूसरा ये मिला कि ये मानुष जीवन दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट जाए फिर नहीं लगता डार। ये शिक्षा मिलती है कि इस मनुष्य जीवन में यदि पूर्ण संत नहीं मिले, तत्वदर्शी संत नहीं मिले, इस जीवन का कोई यूज नहीं, कोई लाभ नहीं। आज परमात्मा ने आपके ऊपर वो दोनों मेहर बख्श दी, आपका मानुष जीवन और पूर्ण परमात्मा की जानकारी और पूर्ण संत आपको प्राप्त हुआ, और पूरी जो है साधना आपको प्राप्त हुई। आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी हैं आप अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि लाल की कीमत लाल नहीं बता सकता, जौर ही बता सकता है। पुण्यात्मा जब परमेश्वर बनारस में आए हुए थे, एक रामानंद नाम के महर्षि थे, उनका बहुत बोलबाला था। पंडित रामानंद जी ने लगभग 1400 ऋषि शिष्य बना रखे थे, और स्वामी रामानंद जी को, महर्षि रामानंद जी को बहुत बड़ा विद्वान माना जाता था, वेदों और गीता का, पुराणों का। उन्होंने बनारस के अंदर अपनी बहुत पैठ बना रखी थी, अन्य ब्राह्मणों से उनकी साधना बहुत अच्छी थी, वो ऊत भूत की पूजा नहीं करवाते करते थे। काशी में पहले ऊत भूत की पूजा बहुत चल पड़ी थी। स्वामी रामानंद जी विष्णु जी के उपासक थे, वैष्णव संत थे, त्रिगुण उपासक, इन रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी में से वो सतगुण विष्णु जी के उपासक थे। उन्होंने 1400 ऋषि शिष्य बना रखे थे, छुआछात बहुत करते थे, शूद्र जाति वालों के निकट भी नहीं जाते थे, उनको शिक्षा भी और दीक्षा भी नहीं देते थे। और उसमें उसी व्यक्ति की ज्यादा महिमा होती थी संत की, जो शूद्रों से अधिक नफरत करता है, करता था। अपुण्यात्मा परमेश्वर कबीर जी के प्राकट्य के बारे में बताएंगे, क्योंकि जब तक हमने अपने इष्ट की पूरी जानकारी नहीं होती तब तक हम दृढ़ विश्वासी नहीं बन सकते, हमारा निश्चय दृढ़ नहीं हो सकता। अभी तक हम परमात्मा के विषय में बहुत दंत कथा सुना करते थे, कबीर जी कैसे जन्म हुए, उनके ऐसे था वैसे था, लेकिन वो परमात्मा अजन्मा है। परमेश्वर कहते हैं कि मात पिता मेरे नहीं, ना मेरे घर दासी, और जुलाहे का सुत आन कहा, ये जगत करे मेरी हाँसी। अब
सन 1398 विक्रमी संवत 1455।